उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री घायलों को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार घायलों के लिए उनके साथ है और उनकी हर संभव मदद की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर वो जख्मी हुए लोगों से मिलने के लिए आए हैं और पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ आबकारी मंत्री बात करने के लिए मौजूद है। यहाँ पर जो कन्नौज में हादसा हुआ उसमें जो घायल लोग हैं उनको देखने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। सर, जिस तरीके से हादसा हुआ काफी गंभीर हादसा था, कई लोग इसमें जख्मी हुए, कई लोगों की मौत हो गई। हादसा बेहद दुखद है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस हादसे से बेहद दुखी है। उन्होंने मुझे यहाँ पहुँचने का आदेश दिया है और मैं यहाँ घायलों के उपचार की चिंता करने के लिए, जो मृतक हुए हैं उन मृतकों को पहचान होकर उन तक सरकारी सहायता पहुँचे, घायलों तक सरकारी सहायता पहुँचे, इसके लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। सर, कई परिवार ऐसे हैं जो अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको अभी तक ये मालूम नहीं चला कि उनके परिवार वाले जिंदा हैं कि नहीं जिंदा हैं। उसकी जाँच हो रही है, पड़ताल की जा रही है और कोशिश होगी कि सबको चिन्हित कर लिया जाए। कई बार ऐसे हादसे देखे गए हैं, उसको लेकर के क्या प्रावधान किए जाएंगे? उसकी जांच कराई जाएगी, कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए क्या प्रावधान किए जाएंगे? हादसे रोकने के लिए तो ट्रैफिक कंट्रोल का काम ये प्रशासन देखता ही है और ये ड्राइवरों की लापरवाही से घटना घटित हुई है, ये घटना बेहद दुखद है। बिल्कुल, ये थे आबकारी मंत्री जो कि बता रहे हैं कि घटना काफ़ी दुखद है और जांच करवाई जा रही है पूरे मामले की और साथ ही जो यहाँ पे पीड़ित पहुँचे हुए हैं उनको देखने के लिए और उनके परिवार वालों से मिलने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। कैमरामैन अमर के साथ लोमस जी मीडिया, कन्नौज।